वेलकम टू माई क्लास। आज हम क्लास फोर्थ के हिंदी सब्जेक्ट का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आज का हमारा दूसरा अध्याय है अतिथि। राजेंद्र एक मेहनती किसान था। वह बहुत मेहनत करता लेकिन तब भी गरीबी थी कि जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक बार उसने साहूकार से कर्जा लेकर गेहूँ की फसल उगाई। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। कुल मिलाकर 6 बोरे गेहूँ निकला था। वह अच्छी फसल की खुशी मना ही रहा था कि जमींदार के कारिंदे आए और 3 बोरे गेहूं के उठाकर चलते बने। राजेंद्र को दुख तो बहुत हुआ लेकिन करता भी क्या, जमींदार को तो आधा हिस्सा देना ही था। सोचा कि चलो तीन बोरे गेहूं में हमारी पत्नी का गुजारा आसानी से हो जाएगा। तभी लाठी फटकारता हुआ साहूकार आया और गेहूं के बाकी 3 बोरे उठाकर चलता बना। अब तो घर पर खाने को भी अनाज नहीं बचा था। उसने गेहूं से निकले भूसे को बेचकर थोड़ा अनाज खरीद लिया। एक दिन उसके द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, द्वार पर आए अतिथि को भोजन कराने का पुण्य कमा ले। राजेंद्र ने साधु से कहा, महाराज थोड़ी देर रुकिए, मैं भीतर जाकर अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। यह कहकर राजेंद्र भीतर गया। उसकी पत्नी कपड़े सुखा रही थी। राजेंद्र ने साधु के भोजन के लिए पूछा तो वह भड़क गई। पत्नी बोली, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, उपज की सारी फसल तो चली गई, आधी साहूकार ने ले ली, आधी जमींदार के कारिंदे उठाकर ले गए। भूसा बेचकर खुद थोड़ा सा अनाज खरीदा था, उससे किसी तरह वे वैशाख का महीना तो पार हो गया। जेठ के महीने के लिए हंडिया में सिर्फ आध सेर आटा पड़ा है, उसमें से क्या हम खा लेंगे और क्या साधु महाराज को खिलाएंगे। अपने भाग्य को कोसता हुआ राजेंद्र जब बाहर निकला तो साधु बाबा जा चुके थे। उन्होंने शायद पति पत्नी की बातचीत सुन ली थी। राजेंद्र तो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, साई इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। किंतु वास्तविकता यह थी कि कुटुंब भी भूखा था, कुटुंब का मुखिया भी भूखा था और साधु भी द्वार से भूखा ही लौट चुका था। उधर साधु कुछ देर बाद गांव के साहूकार की हवेली के सामने खड़ा था। गांव के संतों के अखाड़े से साधु महाराज भिक्षा लेने पधारे हैं। यह खबर मिलते ही साहूकार दौड़ा हुआ आया। चरण छूकर साहूकार उनको भीतर ले गया। उसने साधु महाराज की बहुत आवभगत की तथा वापसी में उनके साथ राजेंद्र के खेत से आए गेहूं के 3 बोरे बैलगाड़ी में रखवा कर संतों के अखाड़े की तरफ रवाना कर दिए। अगले दिन साधु बाबा का अखाड़ा जमींदार की चौपाल पर जमा था। 3 बोरे गेहूं की दक्षिणा वहां से भी संतों के अखाड़े के लिए रवाना कर दी गई। तब जाकर साधु बाबा ने भोजन किया। लौटते समय साधु महाराज की भेंट राजेंद्र से हुई। उन्होंने राजेंद्र को परिवार सहित रात के भोजन के लिए संतों के अखाड़े में आने का आग्रह किया। रात को जब संतों के अखाड़े में राजेंद्र भोजन कर चुका तब साधु बाबा ने उसे एक कमरे में ले जाकर गेहूं के 6 बोरे दिखाए और कहा, हे अन्नदाता, जरा पहचानिए, क्या यह आपका ही अनाज है? अपनी फसल को पहचानकर राजेंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, बाबा अब यह मेरा अनाज कहाँ रहा? मेरी फसल तो साहूकार और जमींदार के कारिंदे उठाकर ले गए थे। यह तो आपको मिली हुई दक्षिणा है। अपने आंसू पोंछकर बाबा बोले, अरे पगले, तू हमारा अन्नदाता है, तू अगर अनाज ना उगाएगा तो वे जमींदार साहूकार और हम साधु सब भूखे मर जाएंगे। ऐसे में तुझे भूखा रखकर अगर हम साधु लोग इस चोरी डकैती के अन्न को
ही खाएंगे तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। अगर तू इस अन्न को वापस ना लेगा तो यह हमारे पूरे साधु जीवन के लिए भी ही धिक्कार होगा। साधु बाबा के इन वचनों को सुनकर राजेंद्र धन्य धन्य हो गया। उसने साधु बाबा के चरण छू लिए। अभी वह बाबा की कृतज्ञता के बारे में सोच ही रहा था कि बाबा फिर बोले, और हाँ, अब आगे से फसल उगाने के लिए किसी से कर्ज मत लेना। प्रभु ने बाबा को बहुत कुछ दिया है। मैंने इस माया से पीछा छुड़ाने के लिए ही संन्यास लिया था, लेकिन यह है कि मुझे छोड़ ही नहीं रही है। अगर मैं तेरी कुछ मदद कर सका तो मुझे लगेगा कि मेरा साधु जीवन धन्य हो गया। रातों रात अनाज के 6 में से 3 बोरे राजेंद्र के घर पहुंच गए। अगले दिन बाकी 3 बोरे गेहूँ मंडी में बेचकर राजेंद्र अपनी पत्नी के लिए साड़ी और चूड़ियाँ लेकर जब घर लौट रहा था तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। देवताओं के मुख पर तेज की बात तो कहानियों व कथाओं में अक्सर सुनी जाती है, किंतु अन्नदाता के मुख पर तेज का यह दृश्य बहुत ही दुर्लभ था। इस अध्याय के शब्दार्थ हैं, कारिंदे नौकर भड़क उठी, गुस्सा हो गई, कुटुंब परिवार आग्रह प्रार्थना, अन्नदाता अन्न को उगाने वाला देवता अर्थात किसान, अतिथि मेहमान साई प्रभु, आवभगत आदर सत्कार दमक चमक। थैंक यू।